शुरुआत करेंगे इस वक्त की सबसे अहम खबर के साथ। चुनाव राज्य बंगाल, जी हाँ, क्योंकि ये चुनावी राज्य है और ऐसे में सियासी लिहाज से आज का दिन बेहद अहम हो गया। आज टीएमसी अपना घोषणा पत्र यानी कि मैनिफेस्टो जारी करने वाली है। दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के खड़गपुर में आज शाम 5 बजे अमित शाह का रोड शो होगा। वहीं झाड़ग्राम और बांकुड़ा की तरफ रुख करें तो अमित शाह जनसभाएं करते नजर आएंगे। साथ ही कोलकाता में टीएमसी सांसद और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी भी रोड शो करने वाले हैं। तो ऐसे में पश्चिम बंगाल की सियासत से चुनावी प्रचार प्रसार को लेकर बड़ी तस्वीर नजर आएगी। तो वहीं टीएमसी का घोषणा पत्र भी सामने आएगा जिसमें लुभावने वायदे होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। दो तस्वीर इस वक्त आपके सामने मौजूद है। बड़ी तस्वीर आज नजर आने वाली है और शो को ऐतिहासिक बनाने के लिए बीजेपी लगातार कोशिश कर रही है। रोड शो से पूरे बंगाल में संदेश देने की कोशिश यहां पर की जाएगी। इसके अलावा झाड़ग्राम और बांकुड़ा की तरफ भी अमित शाह रुख करेंगे, खड़गपुर में रोड शो करते हुए नजर आएंगे। सीधे तौर पर कहा जा सकता है कि अमित शाह की एक बार फिर बंगाल में एंट्री हो गई है और इस बार वो खड़गपुर में एक रोड शो करने के साथ ही झाड़ग्राम और बांकुड़ा जिले के रानी बांध इलाके में चुनावी सभा को संबोधित करने वाले हैं। भारत माता की, भारत माता की। ममता दीदी के बंगाल में एक बार फिर आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह हुंकार भरने वाले हैं। चुनावी जंग में अमित शाह एक बार फिर अपने ताबड़तोड़ कार्यक्रमों के जरिए बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करने वाले हैं। सूबे के झाड़ग्राम और बांकुड़ा में चुनावी गर्जना के बाद खड़गपुर में अमित शाह का रोड शो होने वाला है। पार्टी का इरादा इस रोड शो को ऐतिहासिक रोड शो बनाने का है और इसके लिए खड़गपुर में तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। पार्टी दावा कर रही है कि इस रोड शो की गूंज पूरे बंगाल में सुनाई देगी। अब तक जितने भी बड़े बड़े नेताओं ने खड़गपुर शहर में अपना रोड शो किया है उसमें वो जितने भी रोड शो हुआ होगा वो इस रोड शो का आधा दूर भी नहीं पहुंच पाएगा और ये रोड शो खड़गपुर में एक इतिहास रचने वाला है जिसका गूंज पूरा बंगाल में बजेगा। और हमारा विश्वास है कि 50,000 से भी अधिक लोग इस रोड शो में शामिल होने वाले हैं। रोड शो को भव्य बनाने के लिए एक बड़े ट्रक को अमित शाह के रथ के रूप में तब्दील किया जा रहा है। इसके साथ ही स्थानीय नेताओं के लिए 5 छोटे ट्रकों को भी तैयार किया जा रहा है। रोड शो के डायरेक्ट टेलीकास्ट के लिए कई एलईडी वैन भी तैयार की गई जिनके जरिए दूर दराज के इलाके में भी रोड शो का प्रसारण किया जा सके। रोड शो के दौरान पूरे शहर में 500 से ज्यादा होर्डिंग और कटआउट लगाए जा रहे हैं। इन कटआउट्स में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दिलीप घोष के कटआउट्स। हर कटआउट में तस्वीर के ऊपर बंगाली में ए बार बीजेपी यानी इस बार बीजेपी लिखा हुआ है। अमित शाह का रोड शो भव्य हो, ऐतिहासिक हो, इसके लिए बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। बीजेपी के सैकड़ों कार्यकर्ता रात दिन काम कर रहे हैं। आप इस मैदान में देख सकते हैं कि चारों तरफ तैयारी चल रही है, कटआउट्स बनाए जा रहे हैं, हर अलग अलग कार्यकर्ताओं के अलग अलग पॉइंट्स पर ड्यूटी लगाए गए हैं। लेकिन ये जो ट्रक है, ये ट्रक, इसी ट्रक पर अमित शाह सवार होंगे, इसको रथ में तब्दील किया जाएगा, इसकी सजावट का काम शुरू कर दिया गया है। अमित शाह के रोड शो के दौरान करीब 1 किलोमीटर के रूट पे बंगाल की संस्कृति का प्रदर्शन करने वाले कई स्टेज भी बनाए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन का मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट और जितने भी नियमावली को ध्यान में रखते हुए हम इस तरह का खड़गपुर शहर को जितना सजा सकेंगे हम उतना सजाएंगे। जो रोड शो का जो रूट है उसको, उसमें करीब 10-15 वहाँ पर स्टेजेस बनेंगे जिसमें कि पश्चिम बंगाल की संस्कृति को दर्शाया जाएगा। तो जिसमें विभिन्न सांस्कृतिक जो उसके डांस या कुछ भी जो कि बंगाल के कल्चर को रिफ्लेक्ट करता हो ऐसी चीज़ों को प्रदर्शित उन स्टेजों में किया जाएगा। पार्टी कार्यकर्ताओं का दावा है कि कुछ दिन पहले से ही पूरे खड़गपुर में अमित शाह के रोड शो की चर्चा है और इसको लेकर लोगों में काफी उत्साह। लोग उत्साहित है, अभी से उत्साहित है। लोग बाजारों में, टी स्टॉल्स में, हर जगह एक ही बात हो रहा है कि अमित शाह जी का रोड रैली हो रहा है, रोड शो हो रहा है। रोड शो के दौरान भारी भीड़ के कारण होने वाली गंदगी से निपटने का यहां अनूठा इंतजाम किया जा रहा है। पार्टी का दावा है कि रोड शो के पीछे पीछे गंदगी साफ करने के लिए एक वैन भी चलेगी ताकि शहर साफ सुथरा बना रहे। चूंकि ये रोड से रैली जाएगी, इतनी संख्या में लोग आएंगे, हो सकता है कि ये रोड थोड़ी गंदगी हो जाए, तो हमने एक स्वच्छ भारत अभियान के तहत एक वैन और लगाया है। हम साफ करते हुए भी रोड चलेंगे।
पश्चिम बंगाल में खड़गपुर का मिजाज हमेशा ही कुछ अलग माना जाता है। शहर में गैर बंगाली मतदाताओं की संख्या भी काफी है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी यहां अपने झंडे गाड़ चुकी है। ऐसे में इस शहर को अब बीजेपी के गढ़ के रूप में देखा जाने लगा है। यहां के लोगों का दावा है कि इस बार तो राज्य में परिवर्तन होकर ही रहेगा। परिवर्तन तो इस बार निश्चित है, पश्चिम बंगाल में परिवर्तन निश्चित है। आम जनता ने मान लिया है कि इस बार टीएमसी गवर्नमेंट को उखाड़ के फेंकना है। 100% सरकार बनना ही है बीजेपी का, मोदी सरकार। इस बार 200 पार, 200 परिवर्तन तो हो चुका है। सोचिए, सोच लीजिए, परिवर्तन हो चुका है। मोदी तो ये सब कर रहा है। 200 पार इस बार करना है। 2 मई दीदी गई, अब की बार 200 पार। इस बार परिवर्तन होगा, 200 से अधिक सीट हम लोग बंगाल में जीत के सरकार बनाएंगे और उसमें खड़गपुर का भी बहुत अहम योगदान रहेगा। जाहिर है कि बीजेपी अपनी ओर से कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। यही कारण है कि अमित शाह आज खड़गपुर में रोड शो कर पूरे राज्य में संदेश देने की कोशिश करने वाले हैं कि इस बार परिवर्तन तो होगा ही। लेफ्ट फ्रंट और तृणमूल कांग्रेस के इस किले में कमल खिलकर रहेगा। बीजेपी के सारे कार्यकर्ता इसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे कार्यकर्ताओं को बीजेपी ने इसमें लगाया है ताकि ये रोड शो सफल ही न हो, इसका संदेश पूरे पश्चिम बंगाल में जाए ताकि उसका चुनावी लाभ मिल सके। और उसकी तैयारी खड़गपुर में चल रही है। विकास राय के साथ विकास चंद्र, न्यूज नेशन, खड़गपुर।